निके निके पानी के चाशन मुझे बहुत मिलने तुम आगे अगे आ गया पक्षुला टेंपल दो आ गया पक्षुनादा स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल असं आके नहावे पहला सानू फैमिली का फोन आ चुका आ इतों स्टार्ट होंदा आ वाटरफॉल का ट्रैक बाकी तुहानू इत्थे बहुत सोहना तिब्बतीयन मार्केट मिल जाऊगी जिथों तुहानू तिब्बतीयन कल्चर की बहुत सारिया चीज़ा मिलनगियां और इन्नियां सोहनियां सोहनियां ना और चलदियां भी लोंग लाइफ स्पैशली मैनू तो इदा का स्टफ बहुत ज़्यादा पसंद आ जिदा खुले खुले जै बंजारा टाइप कह सकते हैं ओह दे सामने झरना इस पास जिपलाइन भी हैगी इतने बहुत घैंट जहा कैफे आ जिते सू मम्मी होनी बैठे मिले आ उस कैफे की एक खासियत आ वो खासियत की है तुम आप ही देखो इस कैफे की खासियत यह आ कि इतने जो कोक लिमका कुछ भी ठंडा होंगे ना वो किसी भी फ्रिज के ठंडा नहीं होंगे मैं सही बोल रहा हूँ आंटी जी फ्रिज नहीं लगी ना आपके पास कैसे ठंडा होता है पानी पानी ठंडा कर रहा है ये ना उत्तों मैंने टच किया बंद हो जाना उत्तों जी तौलाधार रेंज जा रही है ना वो रेंज पिघलती है पिघलन तो बाद वेच ये पानी आ रहा है नहीं एड्डी दूर तीन बिल्कुल नहीं आ गए मेरे मेरे कहने ते एक एक खा के देखो लिली नहीं ना आई वो तो कभी महसूस जड़ी हुई थी फिर मैं पूड़ियां बेलपुड़ी खा खा के खाती और बेलपुड़ी कोई नहीं तुझे एक खा मेरे कहने ते खा के देखो तुम पता रूप जी दीप जी हुण आही चीज अमनजीत शाम 84 तों धर्मशाला स्टेडियम दा नजारा दे भाई सामने साडियां बीबियां करके अहीं लेट होए आ दोवां तिन्ना जणियां करके इहनां करके अहीं आपां हुण ना इक स्पीड रखणी आ मनी ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਹੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਝਰਨਾ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਮ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਚਪਲਾ ਉਹ ਬੂਟ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਕੀ ਕਿ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਟੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਕਣੀ ਆ ਬਿਸ਼ੱਕ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਉਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਭਾਊ ਮਝੈਲ ਵੱਜਦੇ ਭਾਜੀ ਨਾਮ ਯੁਵਰਾਜ ਯੁਵਰਾਜ ਭਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਭਾਜੀ ਕਾਰਤਿਕ ਕਾਰਤਿਕ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਆ चले तेरा चले तू सब चले तेरा कोई नहीं ਮੇਰੀ ਮੈਗੀ ਆ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਮੈਗੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਰ ਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਰਿਓ ਉਧਰ ਮੈਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਮੈਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਨੀ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਮਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਮਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਂਦਰਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਝਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ। मेरा फोन रह गया जी 10%, सो दैट्स वाई आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैनू शायद ये ब्लॉग इत्थे बंद करना पै रहा, क्योंकि फोन होए ना बंद यार की फायदा, कोई नहीं फायदा है ना। सो दैट्स वाई मैं सोच रहा सी कि इस ब्लॉग नू इत्थे खत्म कर दईए, बाकी जिहड़ियां रहिंदियां थां हां तुसीं तुहानूं घुमाउण वालियां लिखियां मैं तो सारियां पईआं। मैं ते मनी दुबारा आवांगे, आवांगे बहुत जल्दी आवांगे, फिर तुहानूं इक वधिया जिहा ब्लॉग टेंशन फ्री होके देखवांगे। इक नहीं यार बहुत सारे ब्लॉग देवांगे। चल बंदा बहुत चंगा, तूं की करना मम्मा पावर ला किन्ना परसेंट ला 48% लई बैठदा मामा, 3% बैटरी रह गई सी, मैं ब्लॉग बंद कर लूं बैठदा। ਭਾਈ ਪੰਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੀ ਭਾਈ, ਤਾਰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮਾਨਕ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਮਾਨਕ 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 ਦਾ ਮਾਨਕ ਆਤਾ ਪਤਾ, ਮਾਨਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਉਸਕਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਰੰਗਲੀ ਚਰਖੀ ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਭਾਈ, ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। मेरी रंगली चरखी बिच तन तेरे किते मारे रांझिया रंग पूरे गेड़े किते मारे रांझना तू रंग पूरे गेड़े। मेरी रंगली चरखी बिच जड़ियां मेखा नित कोठे चढ़ के तेरा राम है वेखा, नित कोठे चढ़ के तेरा राम है वेखा। चन तेरे बाजों लख दुख सहड़े किते मारे रांझिया रंग पुर गेड़े किते मारे रांझना तू रंग पुर गेड़े। क्या बात है, ये सामने झरना, झरने तो इदा आते हुए कूनी मोड़िया मुड़ता मुड़ते सारे ये शॉप आ, शॉप का नाम है वैसे ही है। अच्छा मैं तो किसी और की प्रमोशन करने दे रहा था। अच्छा आपका क्या नाम है शॉप का, आप यहीं पे होते हो, पक्के यहीं पे होते हो? बस ये सुरेश भाई मिलेंगे आपको, ये आप सुरेश ही हो ना, आपको यहीं मिलेंगे। थैंक यू भाई, लव यू। इतने है जी बक्सू नाग मंदिर, मैं जा रहा इतने मत्था टेकन। ओके बगसूनाथ मंदिर का जो इतिहास है वो ये आज बगसू से एक इतने के राजा से नाग देवता जी ने ना उन्होंने उन्होंने लड़ाई हुई सी, तो उस तो बाद नाग देवता जी ने उन्होंने हरा दिता से, उस तो बाद नाग देवता जी ने उन्होंने माफ़ी देती। तो यह मंदिर उस राजे वालों तैयार करवाया गया से नाग देवता जी की याद में। ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਦਾ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਨ 1819 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਚਰਚ, ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਨ ਜੋਨਸ ਚਰਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਡਾਨਿਆ, ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡ ਹੈ ਇੰਡ।